डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, ये जो नीपा वायरस जब एकदम से सरफेस पे आ रहा है, ये क्या वायरस है? बेसिकली जूनोटिक वायरस है। इसकी ओरिजिन जो है एनिमल एक्सक्रीटा से होती है। बाय एनिमल एक्सक्रीटा आई मीन्स कि उसका जो पेशाब है या उसकी जो वेस्ट मटेरियल्स है, स्पेसिफिकली बैट, चमगादड़ या फिर पिग। ये तो बैट से तो फिर मैं कोविड की तरफ चलेगी, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे ही शुरू हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब भी ये इसका एक्सक्रीटा आप पाम, डेट, क्योंकि बैट ऊपर ही हैंग आउट करता है, तो वो उसके ऊपर वहाँ से अगर आपने बगैर धोए वो चीज़ कंटेमिनेटेड हो उसके एक्सक्रीटा से और आपने वो यूज़ कर ली, और ऐसे ही जैसे पिग, क्योंकि वो ज़मीन के ऊपर ट्रैवल कर रहा होता है, उसका जो सरफेस है, वर्किंग एरिया उसका ज़मीन है, उसके साथ कोई आप कह लें ज़्यादातर ये स्लॉटर हाउस, बुचरी, इधर जगह से हमारी फूड के साथ मिलके हमारी डाइट का हिस्सा बनता है, जब हम उसे इंजेस्ट कर लेते हैं तो दिस इज़ वेयर, जहाँ से डेवस्टेशन स्टार्ट होती है। सही, ठीक है। अच्छा, पहले तुम कहते थे कि जी जब वायरस आया था कहीं भी तो चाइना का वायरस है तो चाइना में रह जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, वो पूरी दुनिया में गया और उसने बड़ी तबाही मचाई। तो अभी ये जो वायरस है, मैं इसके बारे में पढ़ भी रही थी कि ये बेसिकली 1999 में सर्फेस पे आया था सिंगापुर में, मलेशिया में, और वो पिग से, उस वक्त मैं बैट करनी पड़ी थी, उसमें था कि वो पिग्स के थ्रू वो वायरस आया था। तो अगर खुदा ना खासा ये आ जाता है तो इसके अलामत क्या होंगे? अच्छा, हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में से वायरस हैज़ नो बाउंड्रीज, उसको बाउंड्री का नहीं पता कि उसने कहाँ इंटरवीन करना है, कहाँ इंट्रूड करना है। आ जाए तो सर्वेलेंस, सबसे पहले हमने सर्वेलेंस, देखें तशखीस जो है ना वो इलाज से बेहतर होती है, दिस इज़ व्हाट वी लर्न। तो सबसे पहले टाइमली रिपोर्टिंग हो जाए, रिपोर्ट हो जाए। अलामत में इसके सबसे ज़्यादा बाय इट्स फंक्शनल डेफिनेशन फीवर, हाई ग्रेड फीवर, किसी भी बीमारी का पहली अलामत जो होती है वो होती है हाई ग्रेड फीवर। दिस मींस कि आपकी बॉडी इज़ कॉम्बैटिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन, कोई भी ऐसी फॉरेन बॉडी है जो आपकी बॉडी को हिट करी है, एंड योर बॉडी इज़ रिस्पॉन्डिंग टू दैट। अलॉन्ग विद दैट यू हैव माइल्जिया फीवर। माइल्जिया मीन्स मस्क्यूलर पेन है। इसके अंदर जो ज़्यादा कॉमन मैनिफेस्टेशन है वो फीवर के साथ हेडेक है, फीवर के साथ डिजीनेस है, और सीजर्स, झटके, झटके लगते हैं इसके अंदर। एक दूसरा जो इसकी ज़्यादा ख़तरनाक मैनिफेस्टेशन है, जी बिल्कुल, जो ज़्यादा इसकी ख़तरनाक मैनिफेस्टेशन है वो ये है कि ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कराता है आपकी, आपको जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, आपकी सांस लेने की जो नालियाँ हैं उसको स्क्वीज करता है, तंग कर देता है, जिसकी वजह से इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो प्राइमरीली ये जो नीपा वायरस है वो ब्रेन और रेस्पिरेटरी ट्रैक को अटैक कर रहा है। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि चले कोविड से तो फिर लोग बच गए थे, लेकिन अगर आपको ये वायरस हिट करता है तो आपका सर्वाइव करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश और इंडिया में भी नीपा वायरस के कुछ केसेस आ गए हैं, तो वही जैसे भी आपने कहा कि वो वायरस की कोई सीमा नहीं होती, उसके कोई बॉर्डर्स नहीं होते, उसकी कोई हदूद नहीं होती, वो तो बस आ जाता है बिना पूछे। तो कितना हमें तैयार होना चाहिए और हमारी एहतियात में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? देखिए, तैयार तो हमें ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी आपके जो फेडरल मॉनिटरिंग टीम्स होती हैं, सबसे पहले हमने अपने बॉर्डर सिक्योर करने होते हैं। इंडिया के राइट, लेफ्ट, नॉर्थ, साउथ, जितने कंट्रीज हैं दे आर वल्नरेबल नाउ, जिनसे हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, जैसे हम शेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ बॉर्डर, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, चाइना है, वी ऑल आर वल्नरेबल स्टेट्स नाउ। हमें अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करना होगा। एयरपोर्ट्स के ऊपर हमने अपनी सर्विलेंस टीम लगानी होगी, डॉक्टर्स को हमें वहाँ डिप्यूट करना होगा कि एनी पर्सन कमिंग विद फीवर, कफ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, या कोई डिजीनेस है, या कोई एपिसोड ऑफ उसको आप कह लें झटके अगर उसको आ गए हैं, तो दैट पर्सन हैज़ टू बी क्वारंटाइन देयर एंड देन, कि वो फिर कॉन्टैक्ट में ना आए आपके कंट्री में, एयरपोर्ट से ही वो डिटेंशन सेंटर चला जाए। और हमारी एहतियात में ये है कि देखें सफाई हम लाइक देखिए बींग मुस्लिम एंड प्राइमरीली अ मुस्लिम स्टेट, और एवरी मैं रिलीजन की बात नहीं करती, सबके लिए भी कि सफाई नस्फ ईमान है हमारे लिए, और सफाई हर इन टर्म्स ऑफ एवरी मैटर, अगर हम नेचुरल हेल्थ की बात करें, ये था बाहर निकलें कराची में और उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे सड़कों का क्या हाल है, बिल्डिंग्स के नीचे कितना कचरा पड़ा है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि हम कितना रिलीजियसली इस बात को। बिल्कुल, तो सफाई हमें अपनी हैंड वॉशिंग, अपनी सेल्फ हाइजीन पर ध्यान देना, एंड देन वॉट एवर नहाए, रोज नहाए, अक्सर लोगों से तो मैं कहना चाहती हूँ कि खुदा के लिए नहाए, मरियम नहाए, तो पर पानी अवेलेबल नहीं आजकल कराची में, पानी इज अनदर इशू। हाँ, ये बात खैर, तो ये है कि अब आप जो ग्रोसरी वगैरह परचेज कर रहे हैं, स्पेशली अब मैंने कहा डेट्स एंड पाम्स, तो डेट्स वगैरह या ऐसी जो आप कह रहे हैं कि जो बैट्स वाली मैंने आपको एक बात की कि भाई सुन ले भाई, हाँ, उनको धोएं, मतलब कह रहे हैं कि डिसइंफेक्ट करें, डिकंटामिनेट करें,
फिर अगर आपके पास ऐसा कोई केस रिपोर्ट हो जाता है या ऐसा कोई बंदा है जिससे आप मिल के आए, आपको लग रहा है कि उसको नज़ला ज़ुकाम खांसी है, चेंज योर क्लोथ्स, टेक अ बाथ, गुड बाथ, वॉश योर हैंड्स फॉर गुड 20-30 seconds, आप डिसइंफेक्टेंट्स को यूज़ करें, मतलब एक बंदा जो है वो चेंज रिएक्शन ट्रिगर कर देता है. तो अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लूँ एज अ ह्यूमन बींग, एज अ पर्सन, तो फिर ये चीज़ों को रोका जा सकता है. टू ब्रेक द साइकिल, ये जैसे आप डेट्स वगैरह की बात करें, हम जरा इनको धो के अगर इस्तेमाल करें, कोई भी फल वैसे भी अगर हम उसको धो के इस्तेमाल करें, तो क्या फिर इस वायरस से हमारा बचाव मुमकिन हो जाएगा? देखिए, मुमकिन तो आपके 100% कुछ नहीं होता, बट आपके मैनूवर्स तो कुछ होते हैं. हाँ. कि आप उसके डेविस्टेशन को या उसके पेरल्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बाय अप ऑप्टिंग दीज आपके क्लिनलीनेस हैबिट्स, उसको आप कम करेंगे तो फिर मतलब ये कि आप उससे आपके उस अटैक से 50%, 40% आप कम हो सकते हैं. मैंने कहा ना, वायरस डजंट स्पेयर एनीवन. ये किसी रिश्तेदारी को नहीं जानता, ये किसी अमीर गरीब को नहीं जानता, ये बस आता है जल्दी जाके मिलता है कि आओ आओ मैं तुम्हारे लिए चीज है तो वो. और दूसरा ये है कि मीट शॉप वगैरह पे जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे आप ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह पहने. लेट्स से कि अभी कोई हो गए, जैसे ये आप कोई यहाँ पे आपके कोई भी चीज पड़े, आपने कोई चीज उठानी है, पिक करनी है बच्चा शॉप स्लॉटर हाउस से, आपने मास्क और ग्लव्स का प्लीज इस्तेमाल करना और उसको घर आके फौरन डिस्कार्ड करें इन मतलब शॉपिंग बैग, फर्दर उसको कंसील करें. ऐसी ओपन गार्बेज में नहीं डाल दिया कि आपका घर का गार्बेज भी उसमें आपने आके फेंक दिया उसको. तो ये इसको हम कहते हैं IPC कंट्रोल, इन्फेक्शन मैनेजमेंट आप करते हैं उसको. कंट्रोल यही है कि आप एक इन्फेक्शियस चीज को मजीद एक कोट के अंदर लॉक करें थ्रू इन एनी पॉलीथीन बैग या किसी के अंदर, और फिर आप उसको डिस्कार्ड करें. बिल्कुल, घर में इतनी थैली जो भी थैली आप उसके अंदर डिस्कार्ड करें. तो ये चीज है कि जितना आप कॉन्टैक्ट को मिनिमाइज करेंगे उतना आप इस वायरस से दूर रहेंगे. कितनी बात हो चुकी है निपा वायरस के थ्रू. अच्छा, इंडिया की अगर हम बात करें तो केरला इसकी साउथ इंडिया की स्टेट है जहाँ पे ये अभी आउटब्रेक की सिचुएशन है. यहाँ पे अभी तक 2 कन्फर्म डेथ्स हो चुकी हैं, 6 के अंदर पॉजिटिव हो चुका है वायरस. और इन्होंने फिर जब वायरस किसी बंदे के अंदर पॉजिटिव होता है, अच्छा ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, इंडिया का अपना लोकल वायरस नहीं है. जब हम वायरस की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि लोकल वायरस है कि आया हमारी ही ज़मीन से फूटा या कहीं और से ट्रैवल होकर आया. तो ये किसने तोहफा दिया नहीं पा हमें, ये कोई तोहफा लाया है जो इन्हीं स्टेट से, जो आप कह लें मलेशियन सिंगापुर स्टेट से ये ट्रैवल करके आया है बंदा और इसको ये एपिसोड्स ऑफ फीवर थी. अच्छा, इनसे जो लोग मिले इमीडिएट वो 6 थे, वो 6 थे और अनफॉर्चुनेटली जो 6 के 6 लोग हैं इनकी उम्र 9 से 45 साल है, मीन्स यंग एडल्ट्स हैं और सब मेल हैं. ओके, ठीक है. तो आई एम नॉट सेइंग कि ये मेल को ही हिट कर रहा है, बट फॉर नाउ व्हाट एवर इज लर्न इट इज़ द मेल. ठीक है, ठीक है. और दूसरा फिर उनके बाद हम जिस भी, लेट्स से कि आई हैव कॉन्टेक्टेड द वायरस, तो मेरे साथ जिन लोगों ने मिला और आगे मैं मिलते चले गई, तो इस तरह कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की एक साइकिल बनी जिसमें तकरीबन 1200 लोगों को ट्रैक किया गया एंड दे ऑल आर अंडर ऑब्जर्वेशन इन इंडिया और उन सबको क्वारंटीन किया गया हुआ है. अच्छा, जो अर्ली मैनिफेस्टेशन जिनकी इसमें जो क्वारंटीन करने का यही टाइम, क्योंकि हमने इसमें कोविड में तो देखा था कि हफ्ता पहले तो था कि 14 दिन, फिर हफ्ता, फिर लोगों ने कहा 3-4 दिन भी काफ़ी हैं. इसमें जो क्वारंटीन कर रहे हैं उसका क्या टाइम है? 21 दिन. देखिए, किसी भी वायरस की एक नॉर्मल साइकिल होती है फ्रॉम इट्स फर्स्ट साइन एंड सिम्टम टू इट्स, जब तक इसकी साइकिल सबसाइड होती है 21 डेज का वायरस का साइकिल होता है, जो उसकी लाइफ स्पैन का साइकिल होता है. जी, 3 हफ्ते. तो और अभी क्योंकि एक नोवेल वायरस है, बाय नोवेल आई मीन्स कि नथिंग मच हैज बीन लर्नड अबाउट इट, लेस रिसर्चेज आर देयर. तो अभी हमें सिर्फ ये पता है कि इसकी मैनिफेस्टेशन और सिम्टम्स क्या है, बट अनफॉर्चुनेटली एग्जैक्टली हम इसका ट्रीटमेंट नहीं मालूम अभी. निपा वायरस की खतरनाक बात यह है कि फॉर नाउ वी डोंट नो द ट्रीटमेंट, वी आर ओनली गोइंग फॉर द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. क्या बुखार हो गया तो बुखार की दवाई दे दी, खांसी होगी तो खांसी की दवाई दे दी, सांस फंस रहा है तो सांस की नाली बहाल करने के आपने अद्वियात दे दी. मुझे फिर डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब कोविड मैंने आया था तो उसमें कह रहे थे कि जो कोविड है ये बड़े लोगों को, एडल्ट्स को ज़्यादा हिट कर रहा है और बच्चे समहा जो है ना वो उनको एक इम्यूनिटी हासिल है. हम देखा न्यू बॉर्न में भी, जैसे अगर किसी माँ को कोविड हुआ था और उस औरत ने किसी बच्चे को जाना है तो उसको वायरस इतना हिट नहीं किया. लेकिन अभी जो ये निपा वायरस है ये बच्चों के लिए कितना खौफनाक हो सकता है, या फिर एग्जैक्टली क्योंकि अभी स्टडीज़ आपने जैसे बोला कितने नोवल वायरस है तो इतना मालूम नहीं है, लेकिन कुछ इस ये जो 1200 लोग हैं इनमें कहीं बच्चे हैं? देखें, मैंने कहा इनकी एज ब्रैकेट ही यही है, 9 ईयर टू 45 ईयर्स, यंग एडल्ट्स हैं जिनको हम कॉन्टैक्ट ट्रेस कर रहे हैं. अच्छा, फिर अगेन
देखिए बच्चों की इम्यूनिटी क्योंकि बिल्ड हो रही होती है ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है बॉडी एंड विद द एज योर इम्यून सिस्टम्स डिक्लाइन. अगर आप अपनी हेल्थ और हैबिट्स और अपनी आप कह लें खुराक का ख्याल नहीं रखें तो आपकी इम्यूनिटी डिक्लाइंस विद योर एज. ठीक हो गया. और बच्चों में ये बूस्ट पे होती है तो इसलिए हम कहते हैं कि वो इतने वल्नरेबल पॉपुलेशन नहीं होते और बड़े ज़्यादा हो जाते. इसके अंदर सबसे बड़ी मसले की बात यह है कि ये ब्रेन को अटैक कर रहा है और इसमें कोई एज जेंडर आप डिफाइन नहीं कर सकते कि वेन एवर द वायरस इज एंटरिंग योर ब्रेन तो वो फिर इट इज़ नॉट स्पेयरिंग एनीवन. और अभी भी जो डेथ हुई है उसकी वजह